हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और अब काउंटडाउन खत्म हो गया, फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। 10 से 23 के बीच में फॉर्म भरा जा रहा है और परीक्षा की तारीख भी निर्धारित हो गई है। 7 से 17 मार्च परीक्षा की तारीख है गुरु, 7 से 17 मार्च परीक्षा की तारीख है। और होली से पहले आपके घर में रोजगार की एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सोच लीजिए, जिसके घर में नौकरी हो जाएगी होली से पहले, उसके घर की होली कितनी रंगीन होगी, कितनी बेहतरीन होगी। आपके माता पिता का जो सम्मान है काफी ऊपर चला जाएगा पूरे गांव में। इसलिए प्लीज रात दिन पढ़ो, कमरे में बंद कर लो, लेकिन तैयारी 3 अपनी मुट्ठी में कर लो लगातार। मिशन 50 IAS में एडमिशन भी चल रहा है। अच्छा, एक ऑफर है यहाँ का, बहुत बेहतरीन हमको लगा। और मिशन 50 को मैं तारीफ करना चाहता हूँ, रंजीत सर को तारीफ करना चाहता हूँ कि एक बेहतरीन ऑफर है। TRE 3 में जो लोग यहाँ एडमिशन लेंगे, TRE 3 में उन लोगों को, यदि मैं तो चाहता हूँ TRE 3 में उनका रिजल्ट हो जाए, जो लोग यहाँ TRE 3 में एडमिशन लेगा, बाई लक बाई चांस मान लो उसका नहीं हुआ, तो TRE 4 के लिए उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उसी फी में TRE 4 में भी उनको क्लास अलाउ किया जाएगा, सारे टेस्ट TRE 4 के लिए भी उनको अलाउ कर दिया जाएगा, सारी मटेरियल, सारा टेस्ट सीरीज, पूरा क्लास उसी पैसे में TRE 4 के लिए भी अलाउ रहेगा। यानी जो TRE 3 में यहाँ एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन 1999, ऑफलाइन एडमिशन का है 4999। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो TRE 3 में तो आप पूरी क्लास करेंगे ही। मान लीजिए आपका होना तय है, लेकिन मान लीजिए बाई चांस बाई लक नहीं हुआ, तो फिर आपको TRE 4 में अलग से कोई फी नहीं देना पड़ेगा। TRE 4 के लिए जो भी बैच चलेगा उसी पैसे में, 4 में भी आप पढ़िए उसी पैसे में, अलग से फी नहीं देना है। TRE 4 में टेस्ट सीरीज दीजिए, सारा मटेरियल सब कुछ उसी में रहेगा। तो अगर आप एडमिशन लेते, हमको लग रहा था TRE 3 के लिए, इसलिए मैं सोच रहा था TRE 3 में क्या लोगे, 23 दिन में क्या पढ़ पाओगे, अब एडमिशन ले क्या करोगे। हम कह रहे थे कि भाई क्या करोगे, मुझे अभी पता चला कि TRE 3 में जो बच्चा एडमिशन कराएगा उन सबको अलाउ कर दिया जाएगा TRE 4 में भी उसी पैसे में। यदि आप लेते हैं तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा बल्कि उसका यूटिलाइज होगा। तो एक बार जल्दी से हरी अप एडमिशन इनरोल करा लीजिए, जिनको चूंकि जैसे ही TRE 3 होगा, अप्रैल 1 अप्रैल या 2 अप्रैल से हम लोग TRE 4 के भी बैचेज शुरू कर देंगे। तो लगातार हमारा निर्देशन, रंजीत सर के गाइडलाइन, चूंकि ऑनलाइन ऑफलाइन सर भी जुड़े रहते हैं और पूरी टीचरों की टीम के साथ हम लोग आ गए हैं। तो सेशन को एक बार लाइक कर दो गुरु, और इस बार मौका नहीं छोड़ना है। और 3 अटेम्प्ट दिया गया है, 3 अटेम्प्ट दिया गया है। अगर किसी को लगता है कि मेरा अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, तैयारी नहीं है, फिर भी आप फॉर्म डालिएगा, फॉर्म डालिएगा। आपके फॉर्म भरने से आपका अटेम्प्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि लगता है रिकॉर्ड वीडियो चल रहा है 2 दिन से। अरे मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रहा था, लाइव लेने में व्यस्त था, कोई रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं था गुरु। तुम लोग कमेंट देखता था, मैं बाद में कल कमेंट देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। गुरु मैं कमेंट कभी कभी नहीं पढ़ता, जोश में रहता हूँ। गुरु जोश में रहो, रात दिन एक कर दो, आपका टीचर आपको लगातार पढ़ाता रहेगा। अभी हमारी कोई ज्वाइनिंग का कोई ठिकाना नहीं है, अब आपके लिए लगातार हम जुड़े रहेंगे। एक बार जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को लाइक कर दो गुरु जल्दी से। सभी लोग प्लीज, अभी तक 1537 लोग जुड़े हैं, 630 लाइक है, प्लीज लाइक दिस सेशन, लाइक कर दो गुरु। और हारना मना है, रात दिन एक कर देना है। पुरानी घटनाएं जो आपके साथ हुई हैं सब भुला जाओ, सब भुला जाओ। कौन तुम्हें छोड़ दिया, कौन छोड़ा, कौन छोड़ी, क्या हुआ जाने दो, रात दिन एक कर दो। क्योंकि जब 25 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा होली से पहले, तो आपका रिजल्ट आपके विरोधियों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है, सबसे बड़ा बदला है। प्लीज सब भुला जाओ, रात दिन पढ़ो। और मैं बार बार बोलता हूं, लाइव सेशन 2 घंटे से ज्यादा मत देखो, YouTube का सेशन 2 घंटे से ज्यादा प्लीज मत देखिए। मेरा देखना, मैं भी अच्छा, मैं कभी बोला हूं कि तुम मेरा ही चैनल देखो, कभी नहीं बोलता, मैं कभी नहीं कहा। आपको जिसका सेशन पसंद है उसी का देखिए, पर टोटल 2 घंटे से ज्यादा YouTube को समय मत दीजिए।
सेल्फ स्टडी कीजिए, रात दिन पढ़िए, कम से कम फिर से बोलता हूं 250 MCQ अपने घर पे भी लगाइए, 250 MCQ अपने घर पे भी लगाइए, और कम से कम 1 घंटे करंट अफेयर रोज पढ़िए, मैथमेटिक्स के 10 सवाल रोज बनाइए मैथ के, और 1 घंटा हिंदी अंग्रेजी क्वालिफाइंग भी पढ़िए, क्योंकि पिछली बार क्वालिफाइंग हटा दिया गया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा गुरु। आज कुल मिला के 100 क्वेश्चन से ऊपर है, प्लीज आज का सेशन हिस्टोरिकल बना दो गुरु। अगर आप जुड़े हैं तो लिंक को कॉपी करके आप जाइएगा, इसमें शेयर लिंक, तो शेयर पर जाइएगा ना, शेयर वाले पर, तो नीचे आएगा कॉपी लिंक करके आज प्लीज अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह सेशन को फैला दो, गांव के, शहर के, बाजार के, चौपाल के, दोस्त के, यार के, हर जगह सेशन को शेयर कर दो, ताकि अधिकतम लोगों तक पहुंच जाए, और सेशन को लाइक कर दो गुरु, क्योंकि जिसके पांव में छाले हैं उसी के जीवन में उजाले हैं। तो गुरु, जिसने जला है उसके जीवन में उजाला हुआ है। रात दिन एक कर दो, नींद आए पानी पियो, नींद आए तो पानी पियो, लेकिन सोना मना है गुरु। 23 दिन समझ लो व्रत चल रहा है, जैसे 9 रात्र का व्रत होता है 10 दिन का, उसी प्रकार का समझ लो तुम्हारा व्रत शुरू हो गया है। रात दिन पढ़ो, तपो, नींद आए पानी डालो आंख में, आंख लाल हो जाना चाहिए नहीं सोने के कारण, टहलो बरामदे में लेकिन सोना मत। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं गुरु। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? आज साइंस के भी सवाल हैं, आज साइंस के भी सवाल हैं गुरु। चलिए भाई, भारत में अंग्रेजों के समय पहली जनगणना कब हुई थी? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। पहली जनगणना अंग्रेजों के समय कब हुई थी, ये पूछ रहा है, कब हुई थी गुरु? तो लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, तो गुरु लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुआ। फिर से बोल रहा हूं, ये वही मेयो है जिसके काल में पहली जनगणना हुआ। पहली जनगणना, दूसरा पॉइंट, इसी के काल में, मेयो के काल में ही भारत का पहला कृषि विभाग बना। मेयो के काल में ही भारत का पहला कृषि विभाग बनाया गया। भारत का पहला कृषि विभाग लॉर्ड मेयो के समय बना। भारत का पहला कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लॉर्ड मेयो के समय हुआ। और लिखो, भारत में राजा महाराजा के बच्चों को पढ़ने के लिए, भारत में राजा महाराजा के बच्चों को पढ़ने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज किसने बनवाया? मेयो कॉलेज अजमेर में बनवाया लॉर्ड मेयो ने। मेयो कॉलेज जो राजा महाराजा के बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया गया, लॉर्ड मेयो भारत का एकमात्र वायसराय, लॉर्ड मेयो भारत का एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है, सेलुलर जेल, वहां गया था निरीक्षण करने जेल का। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जेल का निरीक्षण करने पहुंचा था, वहीं शेर खान नाम के व्यक्ति ने चाकू मार के इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत की पहली नियमित जनगणना, तब आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। सेशन को लाइक कर दो गुरु। आज गुरु जी का सेशन हिस्टोरिकल बनाना है, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक बार व्हाट्सएप स्टेटस में भी लिंक लगा लीजिएगा। चलिए आगे आओ, भारतवर्ष में 1881 में सर्वप्रथम लोही गया नियमित जनगणना किसने करवाई? लो टेस्ट हो गया, सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई? नियमित का मतलब रेगुलर सेंसस किसने करवाया, नियमित जनगणना किसने करवाई? अभी बताया हूं, लॉर्ड रिपन। जरा इनके बारे में जानते हैं, लॉर्ड रिपन के बारे में जानते हैं, इनका कार्यकाल 1880 से 84। लिखो गुरु, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84। लॉर्ड रिपन के समय पहली बार नियमित जनगणना, रेगुलर सेंसस हुआ। और लिखो, लॉर्ड रिपन के समय ही भारत में पहली बार पंचायती राज और नगर निगम आया। लॉर्ड रिपन के समय ही
भारत में पहली बार पंचायती राज और नगर निगम आया। अगला पॉइंट, लॉर्ड रिपन के समय ही भारत में पहली बार कारखाना अधिनियम आया। कारखाना फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री लॉ, भारत में पहली बार कारखाना अधिनियम पहली बार लॉर्ड रिपन के समय आया। और लॉर्ड रिपन के समय ही इल्बर्ट बिल आया। लिखो, लॉर्ड रिपन के समय ही इल्बर्ट बिल आया, हालांकि बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया था। और लॉर्ड रिपन के समय ही, रट लो, लॉर्ड रिपन के समय पहली बार नियमित जनगणना, पहली बार पंचायती राज नगर निगम, लॉर्ड रिपन के समय पहली बार कारखाना अधिनियम, लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल आया। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। और अंतिम पॉइंट लिखो, इन्होंने सिविल सेवा के एज को 19 से बढ़ाकर दोबारा 21 कर दिया। सिविल सेवा की उम्र को 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग 2683 लोग जुड़े हो। चलिए, नाम नहीं पढ़ा इसलिए दुखी थे। बेबी भारती, निशा, सरिता, चलिए खुशीलाल सिंह, राखी कुमारी, मोहम्मद दानिश, ऋतिक रोशन, वाह क्या नाम है, आराध्या रानी, सूरज राज, लक्ष्मण सिंह, चलिए पूजा कुमारी, ब्यूटी, चलिए एसके जी, सभी को रानी, ललन जी, सभी को शुभकामना, सबको आशीर्वाद। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, खूब पढ़ते रहो, क्योंकि अब होगी जीएस की तुड़ाई। एक एक पार्ट तोड़ के रख देंगे हम। टीआरई 1 और 2 के तुलना में दुगनी मेहनत करेंगे। अब एक लंबा सेशन चलेगा, रात दिन पढ़ाएंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके शासनकाल में लागू हुआ, अभी बोला हूं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किसने किया, लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया, लॉर्ड रिपन। लेकिन लागू किसके समय हुआ, लागू हुआ लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया, लॉर्ड लिटन ने लागू किया। कहानी यह था, उस जमाने में बंगाल में अकाल पड़ा था। उस समय बंगाल में अकाल पड़ गया था, लोग भूख से मर रहे थे। बंगाल में 8 लाख लोग मरे थे, तड़प तड़प कर खाना खाए बिना। आई जो लिटन था, दुष्ट आदमी, दिल्ली दरबार किया। जब बंगाल में अकाल पड़ा तो लिटन दिल्ली में लाखों रुपए खर्च करके महारानी विक्टोरिया को बुलाया और उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी। महारानी विक्टोरिया को बुलाया गया, दिल्ली दरबार लगा 1877 में। उस समय बंगाल में अकाल पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे। आई दुष्ट आदमी दिल्ली दरबार कर रहा था। अगले दिन अखबार में छपा, लिटन दुष्ट है, लिटन डेविल है, लिटन के बारे में अनाप शनाप लिखा गया। लिटन गुस्से में आ गया, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, वही बात है। गुस्सा में आ गया और कहा कि रुको अखबार वालों, रुक जाओ, तुम लोगों को बताते हैं। और अखबार को कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड, कहानी यही था, लॉर्ड लिटन ने अखबार को कंट्रोल करने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। और उसमें कहा गया कि आज के बाद कोई भी अखबार, इस कानून में था कि आज के बाद कोई अखबार भारतीय भाषा यानी बंगला, तेलुगु, तमिल, उड़िया, हिंदी में नहीं छपेगा। आज के बाद हर अखबार केवल अंग्रेजी में छपेगा। और कोई भी न्यूज़पेपर सरकार के खिलाफ नहीं लिखेगा। अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई हो जाएगी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने क्यों लाया, क्योंकि लिटन अकाल पर ध्यान नहीं दिया और दिल्ली दरबार किया। अखबार में लिटन के खिलाफ लिखा गया, इसी गुस्से में लिटन ने एक्ट ला दिया। और लिख लो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक पॉइंट लिखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत लिखो, प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार सोम प्रकाश था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत
प्रतिबंधित होने वाला, बैंड होने वाला पहला अखबार सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश प्रतिबंध इस कानून के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार था। एक कुछ नौ आता है इस कानून के डर से, इस कानून के डर से रातों रात अपनी भाषा को बांग्ला से अंग्रेजी कर लिया गया, रातों रात अपनी भाषा को बांग्ला से अंग्रेजी कर लिया। कौन था वो? अमृत बाजार, अमृत बाजार पत्रिका। और क्वेश्चन आता है कौन सी पत्रिका थी जो इस कानून को समर्थन किया था? द पायनियर, द पायनियर एक मैगजीन थी जिस कानून को क्या किया था? समर्थन दिया था। नोट कर लीजिए तीनों बात, वर्ना कूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय आया, बंगाल में अकाल पड़ा लॉर्ड लिटन के समय, भारत में पहली बार दिल्ली दरबार हुआ दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय, और लॉर्ड लिटन के समय आर्म्स एक्ट पहली बार हथियार कानून आया, पहली बार भारत में आर्म्स एक्ट यानी हथियार कानून आया लॉर्ड लिटन के समय। और लॉर्ड लिटन के समय ही महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि किसने दिया? लॉर्ड लिटन ने 1877 में। और लॉर्ड लिटन लिखो, लॉर्ड लिटन एक बहुत बड़ा उपन्यासकार था, निबंधकार था, उपन्यासकार निबंधकार था, इसीलिए लॉर्ड लिटन को हम लोग ओवन मेरेडिथ भी कहते हैं, ओवन मेरेडिथ, लॉर्ड लिटन को ओवन मेरेडिथ के नाम से जानते हैं क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति ही चमचागिरी करता है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, 3000 लोग जुड़े हैं, 1718 लाइक है, प्लीज लाइक दिस सेशन, लाइक कर दीजिए और आज के सेशन को हिस्टोरिकल बनाने के लिए शेयर भी कर दीजिए। चलो गुरु एक सवाल नहीं छूटने देंगे, 1882 में किसने वर्ना कूलर आ गया वही क्वेश्चन, किसने वर्ना कूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया? कब समाप्त किया ये भी डेट याद रखना, 1882 में वर्ना कूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त कर दिया? इसमें टाइम नहीं लेंगे, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे पूरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ पीडीएफ चला जाए ग्रुप में। आज साइंस के भी सवाल है, आज बेहतरीन सेशन होने वाला है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, 1857 की क्रांति इसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहते हैं। भाई 57 की क्रांति लिख लो गुरु इतिहास में, 57 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ। तत्कालिक कारण, क्वेश्चन आता है कि 57 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 57 की क्रांति का तत्कालिक कारण लिखो गुरु, लिख लो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था, इमीडिएट काउज था चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस, इमीडिएट काउज लिखो 1857 के तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। और ये क्रांति मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ 10 मई 1857 को। वो दिन था संडे का, रविवार का दिन, संडे के दिन, रविवार का दिन 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हो गई बिहार में। अगर पूछा जाए 57 की क्रांति की शुरुआत बिहार में कब हुआ, तो 57 की क्रांति की शुरुआत बिहार में हुआ 12 जून 1857 को। लिखो 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव से, देवघर जिले के रोहनी गांव से शुरू हुआ बिहार में 57 की क्रांति। नेता की बात करें तो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस, और 1857 क्रांति के नेता की बात करें तो जगदीशपुर से, लिखो जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, पटना से पीर अली, लिखो जगदीशपुर आरा से बाबू कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, गया से करीम अली, गया से करीम अली, पटना से पीर अली। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट पटना से पीर अली, इलाहाबाद से,
इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, पटना से पीर अली, गया से करीम अली, इलाहाबाद से लियाकत अली और लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद अब नहीं, अब तो अयोध्या नाम हो गया, फैजाबाद का नाम अब अयोध्या कर दिया गया, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी संसंतावन में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बचपन का नाम था मणिकर्णिका, झांसी के रानी के बचपन का नाम मणिकर्णिका था और ये लक्ष्मीबाई झांसी से, और कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब, नाना साहब के बचपन का नाम था धोंधू पंत, लिख लो, नाना साहब के बचपन का नाम धोंधू पंत, धोंधू पंत, और ये कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे, ग्वालियर से तात्या टोपे, दिल्ली से, दिल्ली से बख्त खां, बख्त खां और बहादुर शाह जफर, बख्त खां और बहादुर शाह जफर दिल्ली से, और हरियाणा से राव तुलाराम, हरियाणा से राव तुलाराम, हरियाणा से राव तुलाराम, और संबलपुर उड़ीसा से, संबलपुर से सुरेंद्र साई। एक चीज और याद कर लो, 57 की क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल के फूल का बांटा गया था, 57 की क्रांति के प्रचार के लिए रोटी और कमल के फूल बांटा गया था। एक क्वेश्चन और आता है कि 57 की क्रांति में कौन भाग नहीं लिया, कौन भाग नहीं लिया, पंजाब भाग नहीं लिया, बंगाल भाग नहीं लिया, पूरा दक्षिण भारत भाग नहीं लिया, 57 की क्रांति में पंजाब बंगाल और पूरा दक्षिण भारत भाग नहीं लिया, उसके अलावा साहूकार नहीं भाग लिया, पढ़े लिखे लोग भाग नहीं लिए, साहूकार व्यापारी इस क्रांति में भाग नहीं लिया, पढ़े लिखे लोग इस क्रांति में भाग नहीं लिया, इसको भी याद रखिएगा। और 57 की क्रांति के समय जो वायसराय था, गवर्नर था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 57 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग क्या था जी, गवर्नर था, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, लॉर्ड कैनिंग ने 57 की क्रांति में ब्रिटिश सेना का आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था, 57 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार ने अपना आपातकालीन मुख्यालय कहां बनाया था, क्वेश्चन आता है इलाहाबाद में, 57 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार ने अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था, ये वही लॉर्ड कैनिंग है, ये वही लॉर्ड कैनिंग है, लिखो, ये वही लॉर्ड कैनिंग है, लिखो भाई, पूरी कोर्स खत्म जी, केवल लाइव सेशन नहीं, पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, गारंटी है 23 दिन में गारंटी है, पूरा सिलेबस खत्म होगा हर विषय का यहीं से, टेंशन ना लो मेरे भाई। एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, लाइक कर दो पहले सेशन को। मैं कह रहा हूं कि लॉर्ड कैनिंग के समय ही क्या हुआ, 1858 का अधिनियम आया और उसमें क्या कहा गया, सुनो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का, लिखो, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय, दोनों का आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, लिखो, भारत में 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय बनाया गया 1857 में कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून आया, भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून लॉर्ड कैनिंग के समय आया, लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत में 3 हाई कोर्ट बने, पहली बार भारत में 3 हाई कोर्ट बने, कौन कौन, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट, ये सब लॉर्ड कैनिंग के समय बना। और अंतिम पॉइंट, भारत का पहली बार बजट पेश हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत का पहला बजट पेश हुआ। सारी
जानते हो इस जितना बोला हूं अभी इसको रिपीट करके वीडियो को फास्ट करके 5-6 बार सुन लीजिएगा, एक सवाल नहीं छूटेगा, गारंटी लेता हूं। कहां से पूछोगे, जहां से पूछोगे गुरु यहीं से पूछोगे, तोड़ देंगे एक एक पॉइंट को। आगे आओ, सेशन को लाइक कर दो गुरु। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी क्यों बनाया गया? सुन लो, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, लिखो गुरु, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए बनाया गया। भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए बनाया गया एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसलिए किया गया? भारतीय धर्म ग्रंथों का, मनुस्मृति, गीता, इन सब का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए इसे बनाया गया था। कब बनाया गया? 1784 में। किसने बनाया? तो सर विलियम जोन्स। किसने बनाया? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया। लिख लो, किसने किया? सर विलियम जोन्स। उस समय वायसराय वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उस समय वायसराय वॉरेन हेस्टिंग्स थे। जब वायसराय मत बोलिए, गवर्नर, जब बंगाल के गवर्नर, जब बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उसी समय एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने किया? सर विलियम जोन्स। क्यों किया? भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। ये वही हेस्टिंग्स, सुनो, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय एशियाटिक सोसाइटी बना 1784 में। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। लिखो, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही। लिखो, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना, और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही भारत का पहला पोस्ट ऑफिस, भारत का पहला पोस्ट ऑफिस भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय बना। और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, लिख लो एक पॉइंट और, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता में, कलकत्ता में भारत का पहला मदरसा खोला गया। भारत का पहला मदरसा कलकत्ता में खोला गया, और भारत का पहला संस्कृत कॉलेज बनारस में खोला गया। भारत का पहला संस्कृत कॉलेज बनारस में और कलकत्ता में भारत का पहला मदरसा, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ। इतना बात याद रखिए, पहला पोस्ट ऑफिस वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स, और पहला मदरसा कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला संस्कृत कॉलेज बनारस में वॉरेन हेस्टिंग्स, याद कर लो। इसी के समय एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ 1784 में, सर विलियम जोन्स ने किया। क्यों किया? भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। सेशन को लाइक कर दो गुरु। और विलेजली को आप जानते ही हैं, लॉर्ड विलेजली, ये कौन थे? लॉर्ड विलेजली, इनको सहायक संधि का जनक बोलते हैं। लिख लो, लॉर्ड विलेजली को भारत में फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, भारत में सहायक संधि का जनक कहते हैं इनको। लिखिए भैया, और पहली बार हैदराबाद के साथ किया सहायक संधि। देखिए, पूरा टीचरों का टीम है, श्रीकांत सर हैं, दिलीप सर हैं, दुबे सर हैं, मैं तो हूँ ही, और पाठक सर हैं, मृत्युंजय सर हैं, ये पूरी टीम है। और एक बहुत बढ़िया ऑफर, मैं तो खुश हूँ इस ऑफर से, कि हमको लग रहा था TRE 1 का 3 का एडमिशन हो रहा है। इन लोगों ने कहा कि नहीं, इसी पैसे में जो लड़के, मैं तो चाहूँगा कि इसी में हो जाए, असर अगर नहीं इनका होता है तो इनको TRE 4 का पूरा क्लास उसी पैसे में अलाउ कर दिया जाएगा। तो चलिए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। एडमिशन लेना है तो सारा इन्फॉर्मेशन है, कॉलिंग नंबर है, एक बार कॉल कर लीजिएगा। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? 13 अप्रैल तारीख है, 13 अप्रैल काला दिन 1919,
बैसाखी था उस दिन, पंजाब में एक पर्व मनाया जाता है बैसाखी, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ गुरु? उस समय क्या चल रहा है? बहुत लंबा लंबा मैसेज कर रहे हैं, जरा देखें क्या मैसेज है गुरु मेरा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस, देखिए एम कुमार जी प्लीज अभी हम लोग सेशन ले लें, एक स्पेशल सेशन नोटिफिकेशन पे हम लेंगे, टेंशन मत लीजिए एम कुमार जी प्लीज अभी हम लोग सेशन देखें, हम आपके साथ हैं एम कुमार जी, कल एक सेशन नोटिफिकेशन पर भी ले लेंगे भाई। 18 मार्च 1919 लिखो गुरु, अब काउंट डाउन शुरू, मात्र 23 दिन, हम पूरी रात का भी मैराथन लेंगे, पूरी रात पढ़ाएंगे लेकिन पूरा सिलेबस 23 तक खत्म कर देंगे, 23 दिन में खत्म कर देंगे गुरु। मैं बोल रहा हूं सुनो, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को आया, उस कानून में था कि बिना केस चलाए शक के आधार पर बिना सबूत के किसी को भी गिरफ्तार कर लीजिए, बिना सबूत के किसी को भी गिरफ्तार कर लीजिए और उसे जेल भेज दीजिए। इसमें नियम था कि बिना सबूत के किसी को भी गिरफ्तार करके कम से कम 2 साल के लिए जेल भेज दीजिए। इसीलिए रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने ब्लैक बिल कहा था, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने ब्लैक बिल कहा, काला कानून कहा। उसी तरह से रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। जब रॉलेट एक्ट आया तो सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। लिखो, सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। क्वेश्चन आता है, रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे। नोट कर लीजिए, इसी गिरफ्तारी के विरोध में, इसी गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। उसी समय जनरल डायर ने गोली चलाई, डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में लोग बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जमा हुए। उसी समय एक व्यक्ति थे पंडित ब्रिज गोपीनाथ, लिख लो नाम, पंडित ब्रिज गोपीनाथ, वो कविता पाठ कर रहे थे। उसी समय वो कविता पाठ कर रहे थे और उसी समय जनरल ओ डायर नाम के राक्षस ने गोली चलवा दी और हजारों निहत्थे भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी को जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। कौन पूछा जाता है, जब गोली चली तो कौन कविता पढ़ रहा था? तो ब्रिज गोपीनाथ नाम का व्यक्ति। और सुनिए मेरी बात, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए 2 कमेटी बनी, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए 2 कमेटी बनी, एक ब्रिटिश सरकार ने बनाया और दूसरा कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ब्रिटिश सरकार के कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी बनाया था और कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय कमेटी बनाया था। जलियांवाला बाग कांड के लिए 2 कमेटी बनी, मदन मोहन मालवीय कमेटी कांग्रेस ने बनाया और हंटर कमेटी अंग्रेजों ने बनाया। और सुन लीजिए, जलियांवाला बाग कांड से दुखी होकर, एक पॉइंट और लिखो, जलियांवाला बाग कांड से दुखी होकर गांधी जी ने, लिखो, सेशन के ऊपर लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं प्लीज लाइक दिस सेशन। गुरु जी थोड़ा फास्ट प्लीज। अरे भाई मैं बता ही तो रहा हूं, अरे केवल MCQ नहीं करना गुरु, मैं सुन लो मेरी बात, पूरा डिटेल में करते चलिए ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, कहीं से आए तो यहीं से आए। सेशन को लाइक कर दो गुरु, कोशिश करते हैं फास्ट करने का। सुनो, जलियांवाला बाग कांड के बाद गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग कांड के बाद गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि लौटा दी। यमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग कांड के बाद यमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और सी शंकरन नायर ने गवर्नर के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। सेशन को लाइक कर दो गुरु, कोशिश करते हैं फास्ट करने का। भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? भारत का प्रथम, यह थोड़ा सा गड़बड़ है, भारत का यहां पर करो अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, अभी बताया हूं भाई, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? अभी बताया हूं, अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर पूछे भारत का लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय पूछे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत का पहला बजट पेश हुआ था विल्सन के द्वारा। आगे आ जाओ, द्वैत शासन की नीति किसको समय समाप्त हुआ, द्वैत शासन को किसने समाप्त किया भाई? द्वैत शासन डाईआरकी, अब फास्ट कर रहा हूं, सेशन को एक बार लाइक कर दो गुरु भाई। द्वैत शासन मतलब एक शासन दो लोग राजा, राजा दो, राजा दो का मतलब शासन करने वाले दो लोग। मान लो कोचिंग के हम आदमी हैं तो पढ़ाई लिखाई में कैसे होगा ये हम करेंगे काम, और कोचिंग में कहां से आएगा बोर्ड, कहां से बेंच, कहां से बच्चे, ये कोई और देखता है, दोनों लोग अलग अलग देख रहे हैं, तो समझिए इसी को बोलते हैं द्वैत शासन। एक सिस्टम में दो लोग अगर काम करें अलग अलग तो इसी को बोलते हैं द्वैत शासन। पहली बार भारत में द्वैत शासन लगाया किसने? तो लगाया लॉर्ड क्लाइव ने। लिखो, पहली बार बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया था? लॉर्ड क्लाइव ने। और समाप्त किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स, वही वॉरेन हेस्टिंग्स जिसके समय भारत में कलकत्ता में पहली बार मदरसा बना। कलकत्ता में भारत का पहला मदरसा खोला गया और बनारस में भारत का पहला संस्कृत कॉलेज खोला गया, और कलकत्ता में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट बना, कलकत्ता में पहली बार पोस्ट ऑफिस खोला गया। ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, और इसी ने बंगाल से द्वैत शासन का अंत कर दिया। और द्वैत शासन लगाया कौन था? लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव के बारे में थोड़ा जान जाओ, लॉर्ड क्लाइव के बारे में जानो, ये वही लॉर्ड क्लाइव है। सुनो, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था, डाईआरकी लगाया था, ये वही लॉर्ड क्लाइव है जो भारत में क्लर्क के पद पर ज्वाइन किया था, इंडिया आया था क्लर्क के पोस्ट पर, लेकिन प्रमोशन करके वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन गया। गुरु, लॉर्ड क्लाइव इंडिया में किस पद पर आया था? क्लर्क के पद पर आया था, और अपनी मेधा से, अपनी क्वालिटी से वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन गया। और सुनो, ये वही लॉर्ड क्लाइव है जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहते हैं। लॉर्ड क्लाइव को, लिखो, लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा जाता है। लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा जाता है। और लॉर्ड क्लाइव के समय सिराजुद्दौला के साथ पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में पलासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, और बंगाल में द्वैत शासन क्लाइव ने लगाया, लॉर्ड क्लाइव। हटाया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स। एक सवाल नहीं छूटने देंगे गुरु, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का मुख्य श्रेय किसको जाता है? इंडिया में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? गुरु, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है। लॉर्ड मैकाले आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया था लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सुधार के लिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा में सुधार के लिए लॉर्ड मैकाले आया। लिख लो, लॉर्ड मैकाले, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में पहला विधि सदस्य। भारत का, भारत में गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में पहला विधि सदस्य, लॉ मेंबर। भारत के गवर्नर जनरल के काउंसिल का पहला विधि सदस्य कौन बना? लॉर्ड मैकाले। पहला लॉ मेंबर कौन बना? लॉर्ड मैकाले। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? भारत में किस गवर्नर को? सेशन को एक बार लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो एक बार लाइक कर दो। चलो, बेबी देवी, कैलाश झा, आराध्या रानी, सभी को, रानी कुमारी, नीलम कुमारी,
सभी को शुभकामना। नाज तबस्सुम, सायना फातिमा, सीता सिंह, निशा, राकेश कुमार मिश्रा, मनीष, राहुल कुमार, चलिए सुमन जी, सभी को वेद प्रकाश जी। चलिए भाई, मैं कह रहा हूँ सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत हुआ, लिखो, 1829 में। ठगी प्रथा का अंत हुआ 1830 में। और सुनो, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय, इन्हीं के प्रयास से। सती प्रथा को अंत कराने का प्रयास किसने किया? राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। और ठगी प्रथा कर्नल सिलीमैन, कर्नल सिलीमैन, कर्नल सिलीमैन, ठगी प्रथा का अंत कर्नल सिलीमैन के प्रयास से हुआ। ठगी प्रथा का अंत कर्नल सिलीमैन के प्रयास से 1830 में हुआ, और राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। और दोनों का अंत करने वाला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का अंत भी इसी के समय हुआ, ठगी प्रथा का अंत भी इसी के समय हुआ। कर्नल सिलीमैन नाम याद कर लो, कर्नल सिलीमैन के प्रयास से ठगी प्रथा का अंत हुआ, और राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। और लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर था। लिखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर था, तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर था। लिखो, बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर ये भी होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। लिखो गुरु एक पॉइंट, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज भी इसी के समय खोला गया था। चलिए आगे आ जाओ, किसके शासन काल में ब्लैक होल, एक छोटे से कमरे में अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, एक छोटे से कमरे में अंग्रेजों को, हाँ करवा देंगे रामलाल जी, बिल्कुल करवा देंगे, सुमन सौरव जी करवा देंगे। चलिए मैं कह रहा हूं गुरु कि ब्लैक होल की घटना जब हुआ तो उस घटना में हुआ क्या, कई सारे अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जहां इतने लोग थे उस छोटे कमरे में कि दम घुटने से मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हो गई। इसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। बहुत सारे अंग्रेज लोगों को उस छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, और उस कमरे में छोटा कमरा, इतने लोग दम घुट के मैक्सिमम की मृत्यु हो गई। वो किसके समय हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को पकड़कर एक कमरे में डाल दिया था, जहां सब अंग्रेज लगभग मारे गए। तो गुरु, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बना, ये अलीबर्दी खां का नाती था। अलीबर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला बना बंगाल का नवाब। तो 1757 में, लिखो, 1757 में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच पलासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच पलासी का युद्ध हुआ। पलासी का मैदान बंगाल में है, पलासी का जो मैदान है ना बंगाल में है। चलिए आगे आइए, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ? सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में, एक घटना है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का समय है गुरु। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ किसके समय? लॉर्ड ऑकलैंड के समय। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लेकिन ये समाप्त हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय। जब समाप्त हुआ तो उसी समय सिंध पर कब्जा हो गया, सिंध पर कब्जा, यानी कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत पूछे कब हुआ, तो हुआ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय। इसका अंत कब हुआ? तो अंत हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध पर कब्जा हो गया।
और लॉर्ड एलन ब्रुक्स में और क्या हुआ, दास प्रथा का अंत। लिखो, दास प्रथा का अंत। लॉर्ड एलन ब्रुक के समय दास प्रथा का अंत हुआ। लॉर्ड एलन ब्रुक के समय ही पहली बार संडे को छुट्टी होने लगी, हर रविवार को छुट्टी होगी, ये लॉर्ड एलन ब्रुक के समय हुआ, हर संडे को छुट्टी। सिंध पर कब्जा और दास प्रथा का अंत किसके समय हुआ, लॉर्ड एलन ब्रुक के समय हुआ। आगे आओ, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था कि हमारी नीति और हमारा लक्ष्य भारतीय राज्यों को शून्य कर देना है। हमारी नीति और हमारा लक्ष्य भारतीय राज्यों को शून्य कर देना, यानी पूरे भारत के सभी राज्यों पर कब्जा जमा लेना। सहायक संधि करने का उद्देश्य बताया किसने, कहा कि हम सहायक संधि इसलिए करना चाहते हैं कि भारतीय राजाओं को जीरो पिला देना है, ये हम इसीलिए कर रहे। किसने कहा, तो भारत में सहायक संधि का जनक लॉर्ड विलेजली को कहते हैं। भारत में सहायक संधि का फादर, फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस किसको कहते हैं, लॉर्ड विलेजली को। और इसने किया सहायक संधि, उसका ट्रिक है क्रम से, HMT APBS। भाई ये क्रम से है, HMT APBS ट्रिक रट लो गुरु। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को लाइक कर दो। HMT APBS, H से हो गया हैदराबाद। सबसे पहले सहायक संधि हुआ हैदराबाद के साथ, उसके बाद सहायक संधि हुआ मैसूर के साथ, उसके बाद सहायक संधि हुआ तंजौर के साथ, उसके बाद सहायक संधि हुआ अवध के साथ, उसके बाद सहायक संधि हुआ पेशवा के साथ, उसके बाद सहायक संधि हुआ भोसले के साथ, उसके बाद सिंधिया के साथ। सिंधिया नोट करो गुरु, यही क्रम से है। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के साथ हुआ, HMT APBS। ट्रिक याद कर लो, भारत में सहायक संधि का जनक फादर लॉर्ड विलेजली को कहते हैं। सुन लो मेरी बात, ये वही लॉर्ड विलेजली है, सुनो, ये वही लॉर्ड विलेजली है जिसके समय पहली बार न्यूज़पेपर के ऊपर सेंसरशिप लाया गया था। भारत में पहली बार न्यूज़पेपर के ऊपर सेंसरशिप लाया किसने, लिखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में पहली बार अखबारों पर, न्यूज़पेपर पर सेंसरशिप किसने लाया, सेंसरशिप लाने वाला लॉर्ड विलेजली। खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था, खुद को मैं बंगाल का शेर हूं कौन कहता था, तो लॉर्ड विलेजली। ये वही लॉर्ड विलेजली है जिसके समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई, टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। ये वही लॉर्ड मैकाल, सॉरी लॉर्ड विलेजली हैं जिनके समय 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए आगे आओ, किस वायसराय के कार्यकाल में चौरी चौरा कांड हुआ, चौरी चौरा कांड। पानी पीते रहो, हारना मना है। सेशन को एक बार लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो, हारना मना है। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो, खुद पे विश्वास करो कि हम करेंगे और जरूर करेंगे। रात दिन पढ़ो, पांव में छाले हो तब भी तेज दौड़ो। गुरु जिसके पांव में छाले हैं उसी के जीवन में उजाले हैं। रात दिन पढ़ना है गुरु। किस वायसराय के कार्यकाल में चौरी चौरा कांड हुआ, चौरी चौरा कांड लिखो, 5 फरवरी 1922 को हुआ। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा पड़ता है। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, नोट कर लीजिए। और इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ कि एक व्यक्ति था जो चौरी चौरा थाने में बंद था, एक व्यक्ति था जो चौरी चौरा थाने में बंद था जिसका नाम था भगवान अहीर। भगवान अहीर नाम का व्यक्ति चौरी चौरा थाने में बंद था। और पता है क्या हुआ, कुछ लोग लगभग 2000 की संख्या में
थाने पहुंचे। अब पहुंचकर बोला कि भगवान अहिर को छोड़ दो, लेकिन वहां लाठी चार्ज कर दिया। वहां के पुलिस वालों ने, चौरी चौरा थाने के पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया। और क्या हुआ, क्या हुआ गुरु, जब लाठी चार्ज हुआ तो पूरी भीड़ थाने पर टूट पड़ा और थाने में जाकर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। 22 पुलिस वालों को, 22 संख्या याद कर लो, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना को चौरी चौरा कांड कहते हैं। इस कांड से गांधी जी दुखी हो गए, इस कांड से गांधी जी दुखी हो गए और तुरंत 12 फरवरी 1922 को, लिखो, इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। लिखो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया था, क्योंकि चौरी चौरा कांड से जब 22 अंग्रेज सिपाही को जिंदा जलाया गया था तब गांधी जी दुखी हो गए और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। कब? 12 फरवरी 1922 को। और ये घटना हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय। ये घटना हुआ लॉर्ड रीडिंग के समय। लिखो, लॉर्ड रीडिंग के समय क्या हुआ गुरु, चौरी चौरा कांड हुआ, 22 सिपाही को जिंदा जलाया गया। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। सेशन को लाइक कर दो गुरु। सर जी बिहार बीए हो एग्रीकल्चर में, इस क्लास का फायदा होगा सभी। ये जो क्लास है ना, यूनिवर्सल क्लास है गुरु। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? कर्जन, लॉर्ड कर्जन, सुनो, लॉर्ड कर्जन जो भारत का वायसराय था, उसके शासन की तुलना किस व्यक्ति ने औरंगजेब से कर दिया था गुरु? लॉर्ड कर्जन, वही, लिखो, ये वही लॉर्ड कर्जन है। लिखो गुरु, ये वही लॉर्ड कर्जन है जिसके समय पहली बार भारत में क्या बना, विश्वविद्यालय कानून बना, विश्वविद्यालय आयोग बना। ये वही लॉर्ड कर्जन है जिसके समय सबसे ज्यादा रेलवे का विकास हुआ, सबसे अधिक पूछा जाए रेलवे का विकास, सबसे ज्यादा रेलवे का विकास करने वाला वायसराय लॉर्ड कर्जन। हालांकि पहला रेलवे लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था, भारत का पहला रेलवे लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था, बंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को भारत का पहला रेल बॉम्बे से ठाणे के बीच डलहौजी ने चलाया था। लेकिन रेलवे का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कर्जन के समय हुआ। कर्जन के समय में सेना का पुनर्गठन किया गया, कर्जन के समय सेना का पुनर्गठन किया गया और कर्जन के समय क्या हुआ, बंगाल का विभाजन किया गया। लिख लो, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन। कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से कर दी। और कर्जन के बारे में क्या बताया, सबसे अधिक रेलवे का विकास कर्जन के समय, पहली बार विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के समय आया और पहली बार क्या हुआ, सेना का पुनर्गठन किया गया और इसके बाद इसके समय बंगाल का विभाजन हुआ। चलिए, अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता, थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लें। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है, ग्लैडस्टोन। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है और गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का, सॉरी, गांधी जी का राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। भारत का ग्लैडस्टोन गोखले को कहा जाता है। और गोखले की मैगजीन, गोखले के पत्रिका का नाम था सुधारक, गोखले के पत्रिका का नाम था सुधारक, सुधारक, सुधारक मैगजीन किसकी थी, गोपाल कृष्ण गोखले की थी। और सुनो, गोपाल कृष्ण गोखले एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। कब रहे हैं, हवाई एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी क्वेश्चन काम आएगा, पढ़िए।
भाई गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, लिख लो, 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और 1905 में एक पॉइंट और लिखो, 1905 में ही गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया, 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, कब? 28 दिसंबर को। उस समय वायसराय कौन था? आसान क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ, कहाँ हुआ? बंबई में। होना कहाँ था? पुणे में। लिखो, कांग्रेस की स्थापना पुणे में होना था, पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया, जिस कारण से उसका स्थापना पुणे में ना होकर बंबई में हुआ। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि कांग्रेस की स्थापना होना कहाँ था, तो पुणे में, हुआ कहाँ? बंबई में। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में क्या हुआ? स्थापना हुआ कांग्रेस का। और कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने दिया? तो ये दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और कांग्रेस के पहले महासचिव AO ह्यूम थे। कांग्रेस के पहले महासचिव AO ह्यूम और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस के संस्थापक पूछा जाए, फाउंडर ऑफ कांग्रेस, तब भी आंसर होगा AO ह्यूम। कांग्रेस के पहला महासचिव AO ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक AO ह्यूम। कांग्रेस के पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहला अंग्रेज अध्यक्ष, अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष, जॉर्ज यूल। कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, कांग्रेस में भाषण देने वाली पहली महिला। कांग्रेस में स्पीच देने वाली, भाषण देने वाली पहली महिला कदम्बिनी गांगुली। कांग्रेस में भाषण देने वाली पहली महिला कदम्बिनी गांगुली थी। कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में। कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में कलकत्ता में। और कांग्रेस में पहली बार जन गण मन गाया गया 1911 में। कांग्रेस में पहली बार जन गण मन गाया गया 1911 में कलकत्ता में ही। और कांग्रेस में पहली बार, कांग्रेस में पहली बार खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया 1926 में। 1926 में पहली बार कांग्रेस में, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में पहली बार सभी कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। सेशन को लाइक कर दो गुरु, आज का सेशन हिस्टोरिकल होना चाहिए। चलिए, और जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तब वायसराय कौन था? डफरीन। कैसे याद रहेगा? याद कैसे रहेगा? ऐसे याद करो, कोई डफर आदमी ही बनाएगा कांग्रेस, कोई डफर टाइप का आदमी होगा वही बनाएगा कांग्रेस जैसा पार्टी। तो लॉर्ड डफरीन के समय क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना हुआ। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार 1911 में हुआ। दिल्ली दरबार लिटन ने भी किया था, दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन ने भी किया था। और दिल्ली दरबार हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 का, लिखो गुरु, 1911 का दिल्ली दरबार हुआ। उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। दिल्ली दरबार हुआ 1911 में। लिखो,
दिसंबर 1911, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 3 दिन 1911 में, 3 दिन दिसंबर महीने में दिल्ली दरबार हुआ और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए। और इस लिखो, इस दिल्ली दरबार में 3 निर्णय हुआ, लिखो, दिल्ली दरबार 1911 में 3 निर्णय हुआ। पहला निर्णय लिखो, पहला निर्णय हुआ बंगाल का विभाजन समाप्त कर दिया जाए, लिखो, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। पहला निर्णय, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा निर्णय लिखो, बंगाल से बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया, बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। और तीसरा फैसला राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो, आज का सेशन हिस्टोरिकल होना चाहिए, सेशन को लाइक कर दो गुरु, सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। मैं कह रहा हूं भाई, दिल्ली दरबार जो हुआ 1911 में, 3 फैसला हुआ। पहला फैसला, बंगाल विभाजन समाप्त कर दिया गया। दूसरा फैसला, बंगाल से अलग करके बिहार को एक नया राज्य बनाया गया। और तीसरा फैसला, राजधानी को, भारत के राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। इसी दिल्ली दरबार में 3 निर्णय हुआ। चलिए, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। एक क्वेश्चन और आता है कि जब विश्व युद्ध चल रहा था तब भारत में वायसराय कौन था? जब विश्व युद्ध चल रहा था तब भारत में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम किसने फेंका? एक क्वेश्चन आता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर किसने फेंका बम? तो आंसर होगा, किसने फेंका? सचिंद्र सान्याल। सेशन को लाइक कर दो गुरु। क्या परेशानी है, रो क्यों रहे हैं? वेद प्रकाश जी, क्या प्रॉब्लम है गुरु? वेद प्रकाश सर, मैंने क्लास 9, 10, Tier 2 में 2 बार अटेम्प्ट हो गया और क्लास 11, 12 में 4 में 3 चांस बन रहे हैं, प्लीज बताइए। नहीं नहीं, Tier 1 और 2 अभी तो दुइये को एग्जाम में हुआ है, Tier 1 और Tier 2 दो पेपर हुआ है, तो दो ही अटेम्प्ट अभी हुआ आपका, एक अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। सेशन को लाइक कर दो गुरु, रोइए मत, हम हैं तो क्या गम है, किसके साथ? अब बोला हूं, लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या। तुम हो गुरु, साम्राज्य खड़ा कर दोगे, विश्वास, हमेशा मुस्कुराते रहो, फुल कॉन्फिडेंस में रहो, मेरा होगा, हम हर बाधाओं से टकराएंगे, जीत हासिल करेंगे, अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। किसके शासन काल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, बता चुका हूं, बंगाल में भयानक अकाल पड़ा और इधर दिल्ली दरबार हो रहा था, दिल्ली दरबार चल रहा था, बंगाल में अकाल पड़ गया। गुरु, लॉर्ड लिटन के समय बंगाल में अकाल पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ, उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया? बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? सेशन को लाइक कर दो गुरु, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, 5,529 लोग हैं, 3882 लाइक है, सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए, 1764 में बक्सर का युद्ध, लिखो, ब्रिटेन सरकार के लिए जो बक्सर का युद्ध था वो निर्णायक युद्ध था। 1764 का बक्सर का युद्ध, लिखो, ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में निर्णायक युद्ध था। लिखो, भारत में ब्रिटिश सरकार का निर्णायक युद्ध कौन था? क्वेश्चन कभी आ जाए तो, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ, इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन आता है, किस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुआ? तो बक्सर का युद्ध। आई जब हुआ था उस समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंद्रो ने किया था, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंद्रो ने किया। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंद्रो ने किया। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। और मैं बता दूं कि बक्सर के युद्ध में 2 लोग थे, एक तरफ 3 लोग, एक तरफ अकेले अंग्रेजी सेना। 3 लोग में बंगाल का नवाब, लिखो, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का मुगल बादशाह
शाह आलम द्वितीय, दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये तीनों मिल के लड़ रहे थे। और उधर अंग्रेज की तरफ से कौन था, हेक्टर मुंद्रो। और तीनों मिल के लड़े फिर भी हार गए, तीनों मिल के लड़े फिर भी हार गए। चलो गुरु, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर कब बना, जल्दी बताओ। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था, लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? पानी पीते रहिए आप लोग भी। जल्दी बताओ, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा रेस्ट ले लेके पढ़ाई करें, सेशन को लाइक कर दो गुरु। इसके बारे में बता चुका हूँ कि लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा जाता है। लॉर्ड क्लाइव भारत में गवर्नर के पद पर आया था, लॉर्ड क्लाइव भारत में गवर्नर के पद पर आया था, नोट कर लीजिए, सॉरी क्लर्क के पद पर आया था, और ये बंगाल का गवर्नर बना। और सुनिए, लॉर्ड क्लाइव के को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहते हैं। लॉर्ड क्लाइव के समय ही पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर, यानी प्रशासनिक कुव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किसको हड़प लिया था? डलहौजी ने प्रशासनिक कुव्यवस्था के आधार पर किसे हड़प लिया था? क्या चल रहा है भाई, मैसेज बहुत करते हैं आप लोग। अच्छा, पाँच ऑप्शन लाइए सर। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं गुरु। आज महामैराथन है, सेशन को लाइक कर दो गुरु। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किसको हड़प लिया? उड़ीसा, सॉरी अवध को। अवध को 1856 में अवध को कुशासन के आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था। सुनो कहानी डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी, ये वही लॉर्ड डलहौजी है, लिखो, जिसके समय पहली बार भारत में, लॉर्ड डलहौजी के समय ही पहली बार भारत में प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिशन एग्जाम की शुरुआत हुआ। भारत में पहली बार कॉम्पिटिशन एग्जाम की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। भारत में पहला रेलवे 16 अप्रैल 1853 को भारत का पहला रेलवे ठाणे से बंबई के बीच चला, लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार डाक टिकट जारी हुआ, पहली बार डाक टिकट जारी हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया, और हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य सतारा था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया, हड़प नीति, और उसके तहत हड़पा गया पहला राज्य सतारा था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। लॉर्ड डलहौजी ने कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी, लॉर्ड डलहौजी ने कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत का पहला पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, भारत का पहला लोक निर्माण विभाग लॉर्ड डलहौजी ने बनवाया, और भारत का पहला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, भारत का पहला विद्युत विभाग लॉर्ड डलहौजी ने बनाया, भारत का पहला
विद्युत विभाग लॉर्ड डलहौजी ने बनवाया। भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय, और लॉर्ड डलहौजी के समय शिमला को भारत का गर्मी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। शिमला को भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी लॉर्ड डलहौजी के समय बनाया गया। डलहौजी में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा और इससे ज्यादा नहीं आना है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा। एक बार निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था? कौन था ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट, अभी बताया हूं, भारत का पहला डाक घर बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। भारत का पहला डाक घर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय बनाया गया और भारत का पहला डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत का पहला डाक टिकट, पहला पोस्ट ऑफिस तो वॉरेन हेस्टिंग्स, और पहला डाक घर तो होगा डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी। आगे आइए। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय बता चुका हूं लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? लॉर्ड क्लाइव का उत्तराधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए आ गया साइंस का क्वेश्चन। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वाथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब प्रेशर कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है? सेशन को लाइक कर दो गुरु, क्योंकि आज साइंस का भी बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं। साइंस का क्वेश्चन आ चुका है, हार ना मना है हर चीज में, रात रात भर पढ़ाई करो, 23 तक भूल जाओ, किसने फोन किया नहीं किया, कौन फोन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा है, कौन उठा रही है कौन नहीं उठा रही है, जाए भाड़ में समझा दीजिए कि 23 दिन मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगा। रहना है रहो, जाना है जाओ, लेकिन 23 दिन 24 दिन भुला जाएंगे खुद को। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ना, ऊंचाई पर जाने से दाल देर से पकता है, ऊंचाई पर जाने से चावल दाल देर से पकता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, दाब कम होने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। जब दाब घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा खाना उतना ही देर से पकेगा। बॉइलिंग पॉइंट जितना कम, माने 100 डिग्री होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, अगर बॉइलिंग पॉइंट 17 डिग्री हो गया यानी 70 डिग्री पर ही पानी खोलने लगा तो क्या 70 डिग्री पर खाना पकेगा? नहीं पकेगा। तो भाई ऊपर जाने समय जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा का दबाव कम होता है और हवा के दबाव कम होने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर खाना देर से पकता है। लिख लो गुरु। और जानते हो प्रेशर कुकर में, कुकर में खाना बनता है तो जल्दी बन जाता है। काहे? क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। अब प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। भाई प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। चलिए आगे आओ। बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर के बीच उल्टा संबंध है, प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी सीधा संबंध है। बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। गैस इसलिए ऊंचाई पर देर से खाना पकता है क्योंकि ऊपर में प्रेशर कम है। गैस का जो द्रव में परिवर्तन है, गैस यदि द्रव में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? गैस माने गैस जिस, मान लीजिए पानी गर्म हुआ तो भाप में बदल गया, भाप में बदला, यानी पानी जब भाप में बदला तो गैस में बदल गया, लेकिन जब वो पानी भाप जो है फिर से पानी में बदल जाए, पानी का भाप फिर से पानी में बदल जाए उसे क्या बोलते हैं? जब कोई द्रव यानी लिक्विड गैस में बदलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। लेकिन अगर कोई गैस फिर से द्रव में बदलता है, लिक्विड में बदलता है, तो उसको बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। गुरु भाई पानी को खौलाए तो बदल गया कौची, गैस, वाटर वेपर, जल वाष्प। लेकिन जब जल वाष्प ठंडा हो जाता है,
और फिर पानी बन के नीचे गिरने लगता है, तो समझिए उसी को बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। कभी तसला में खाना बनते देखे हैं? गांव से हो तुम लोग, तसला बड़ा सा रहता है, उसमें खाना बनता था पहले, ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब ना न्यूक्लियर फैमिली है, कुकर वाला। अब न्यूक्लियर फैमिली मत कहो, कुकर फैमिली कहो, कुकर फैमिली जिसमें माँ बाप गायब हैं, खाली पति पत्नी हैं, माँ बाप वृद्धाश्रम चले गए, तो गुरु कुकर फैमिली उसको कहो, है ना। पहले बड़ा फैमिली होता था, बड़ा तसला में खाना बनता था, ढक्कन रखा होता था, ढक्कन हटाते ही पानी टपकता था। तो भैया पानी का गैस में बदलना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। लेकिन फिर गैस का पानी में बदलना उसको कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन। और ये क्या ऊर्ध्वपातन क्या है? जब कोई सॉलिड, लिखो, जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाए, नियम क्या है? सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा और लिक्विड फिर गैस में आएगा, यही नियम है ना। नियम यही है, पहले सॉलिड फिर सॉलिड बदलेगा लिक्विड में और लिक्विड फिर गैस में बदलेगा, यही नियम है। लेकिन अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट बदल जाए गैस में तो उसी को बोलते ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। गुरु सबलिमेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते सबलिमेशन। जब कोई ठोस सॉलिड सीधे गैस में बदल जाए तो उसको बोलते सबलिमेशन, ऊर्ध्वपातन। जिसका एग्जाम्पल है कपूर, कपूर को जलाइएगा तो लिक्विड में नहीं बदलता, सीधे गैस में बदल जाता है। तो सब ठोस डायरेक्ट गैस में बदले, बिना लिक्विड में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं सबलिमेशन, ऊर्ध्वपातन। लेकिन आजकल डुप्लीकेट आ रहा है, आजकल कपूर भी डुप्लीकेट आ रहा है, चलाइएगा ना तो पहले वो लिक्विड में बदलेगा और फिर गैस में जाएगा। अगर डायरेक्ट कोई सॉलिड लिक्विड सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाए तो उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा तापमान जिसमें ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पर कोई सॉलिड पिघलकर लिक्विड में बदल जाए, कोई भी सॉलिड पिघलकर लिक्विड में बदल जाए उस तापमान को हम मेल्टिंग पॉइंट या द्रवणांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या द्रवणांक कहते हैं। जब कोई पदार्थ जिस तापमान पर सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड यानी ठोस से द्रव में बदलता है उस पॉइंट को हम द्रवणांक, अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए आगे आइए, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? गुरु पदार्थ एक पदार्थ है, उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है आपस में एक फोर्स से कनेक्टेड रहते हैं। गुरु सारे मॉलिक्यूल, पदार्थ के अंदर सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक बल से एक फोर्स से कनेक्टेड रहते हैं, उसी को बोलते हैं अंतरणविक बल, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। भाई वह बल जिससे पदार्थ आपस में बंधे रहते हैं उस फोर्स को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, अंतरणविक बल कहते हैं। चलिए आगे आइए, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में फैल जाती है, वह कौन सी प्रक्रिया है कि अंदर से इत्र निकला, सेंट निकला और पूरे कमरे में सुगंध आने लगी, वो कौन सी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से, अंग्रेजी में बोलते हैं डिफ्यूजन और हिंदी में बोलते हैं विसरण, विसरण विसरण अंग्रेजी में बोलते हैं डिफ्यूजन, अंग्रेजी में डिफ्यूजन, सेंट जैसे निकला पूरे कमरे में फैल गया, इसी को बोलते हैं विसरण। चलिए आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मौलिक गुण है? पदार्थ का मौलिक गुण क्या है? पदार्थ का मौलिक गुण द्रव्यमान और आयतन, तापमान और दाब, घनत्व और संपीड्यता, ठोस द्रव और गैस। पदार्थ का मौलिक गुण है ठोस द्रव और गैस। आगे आ जाओ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? भाई गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल जी से, लिखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं। और आपने सुना होगा न्यूटन ने कहा था, न्यूटन ने दिया था
गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, अब फॉर्मूला है लिखिए, जी कैपिटल जी एम यानी मास, एम यानी मास अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला है एफ बराबर गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी कैपिटल क्या एम एम बटा आर स्क्वायर। सुनो जी को यहीं छोड़ दो, पहले आर स्क्वायर को इधर ले आओ, तो डिवाइड में जो रहता है इधर आके गुना में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा इसको इधर लाइएगा तो एफ आर स्क्वायर बराबर जी जी एम एम, बस हो गया। फिर अब जी को अकेले छोड़ो, एम एम को इधर ले आओ, तो जी बराबर क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा एम एम, इधर गुना में है तो इधर भाग में हो गया। अब सुनिए फोर्स का मात्रक क्या है, फोर्स का मात्रक है न्यूटन, और आर मतलब दूरी, और दूरी का मात्रक है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे में दो गो मास है तो केजी और केजी, तो केजी गुना केजी तो केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही फार्मूला होगा। कौन सा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाला है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लिखो गुरु सेशन को लाइक कर दो। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट जी को हम लोग निकालते हैं कैसे, फार्मूला है फोर्स इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को इधर लेके चले गए तो हो गया एफ आर स्क्वायर, फिर एम एम को इधर लेके चले आए तो हो गया एम एम नीचे आ गया, तो फोर्स का न्यूटन होता है, और आर मतलब दूरी तो दो गो आर है तो मीटर स्क्वायर, और दो गो मास है तो के जी इंटू के जी के जी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर, ये जी का क्या होता है मात्रक, और जी का वैल्यू लिखो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 एन एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। लिखो गुरु यही फॉर्मूला है भाई, कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 एन एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, इस वैल्यू को पहली बार किसने निकाला था, तो लिखो सर हेनरी कैवेंडिस, सर हेनरी कैवेंडिस, लिखो सर हेनरी कैवेंडिस ने कैपिटल जी का मान निकाला था। इसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसका वैल्यू कहीं चले जाइए, मंगल ग्रह पर चले जाओ, शुक्र पर चले जाओ, पृथ्वी पर चले जाओ, पूरे दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, कैपिटल जी का मान नहीं बदलता, यही रहेगा, रट लेना। कैपिटल जी का मान चांद पर चले जाओ, धरती पर आ जाओ, कहीं नहीं बदलता, इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। जी का मान किसने निकाला था, सर हेनरी कैवेंडिस, नोट कर लीजिए, आई फोर्स निकालने का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। तो गुरु इसका आंसर ये हो गया, और स्मॉल जी का मान, कैपिटल जी का मान तो ये, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दिखाते हैं और इसको कैपिटल जी से, तो स्मॉल जी का मान भी रख लो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इसका मान धरती पर ही बदल जाता है, चंद्रमा पर तो छोड़ो धरती पर ही बदल जाता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, चलो आ गया इसका उत्तर दो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, सेशन को लाइक कर दो क्योंकि साइंस का भी इससे बेस्ट सेशन नहीं मिलेगा, साइंस का भी गुरु इससे बेस्ट सेशन आपको नहीं मिलने जा रहा है। एक बार जल्दी से इसका मान बताओ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 एन एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए रट लीजिए, किसने निकाला, कैपिटल जी का मान किसने निकाला, सर हेनरी कैवेंडिस। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल और धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल, भाई धरती के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना कम होता है, 6 गुना, लिख लो, धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स के तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 6 गुना कम होता है। और सुन लो, किसी भी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल, सुन लो, किसी भी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वही उस वस्तु का भार होता है, किसी भी वस्तु पर
लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है उसी को भार कहते हैं, वेट कहते हैं। यानी कह सकते हो किसी भी वस्तु का धरती पर जो वेट होगा, जो वेट होगा उससे 6 गुना कम वेट कहां होगा? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर धरती के तुलना में 6 गुना कम भार होता है। अगर कोई पूछे कि वस्तु का द्रव्यमान धरती पर 100 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा ये पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? 100 kg। द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु का द्रव्यमान यदि धरती पर 100 kg है तो चंद्रमा पर भी 100 kg होगा। लेकिन भार, भार जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल को ही भार कहते हैं, तो भार जो होगा द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा लेकिन भार 6 गुना कम होगा। यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान एम है, पृथ्वी का द्रव्यमान, हाँ पृथ्वी का द्रव्यमान एम है, आप पृथ्वी पर जो वस्तु रखा है उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो उनके बीच की दूरी आर है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है। तो फोर्स का फॉर्मूला पूछ रहे थे, बताए कि अभी एफ बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा आंसर, बता चुके हैं, इस पर टाइम नहीं देंगे, आगे आ जाओ। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, अब चैप्टर वाइज भी आ गए हम लोग, अब चैप्टर वाइज भी कर रहे हैं। सर क्या है? सर पीडीएफ में आप पढ़ा रहे हैं तो ये टीआरई 1.0 का है, नया पढ़ाइए, टीआरई 1.0 2.0 का मिला अगर ऑप्शन दे दे। हाँ भाई दे तो रहे हैं गुरु, चलिए नया क्वेश्चन मिलाएंगे। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए? दोनों वस्तु यानी कि वस्तु एक एम है, एक स्मॉल एम है, इसको कर दिया जाए 2m, इसको कर दिया जाए 2m। गुरु कह रहा है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान, दोनों वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा? देखिए f बराबर होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यही ना होता है भाई? अब इसको कह रहा है कि दुगुना कर दिया जाए दोनों को, तो देखते हैं दुगुना करने पर क्या होता है। इसको f1 करो, इसको f2 करो, दुगुना कर रहे हैं तो 2m, इसके जगह पर भी बैठाएंगे 2m बटा आर स्क्वायर। अब देखो तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर कर दो, अब बाकी एम एम अपॉन आर स्क्वायर वैसे ही रखो। इसका मतलब गुरु यदि वस्तु के मास, दोनों के मास को दोगुना दुगुना कर दिया जाए तो पूरे गुरुत्वाकर्षण के बल के मान कै गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो गुरु इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना। सब मैथमेटिक्स है गुरु, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, आगे आ जाओ। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम है और पृथ्वी की त्रिज्या आर है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? गुरु भाई देखो एफ बराबर होता है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन लिए हैं आज साइंस का भी बेहतरीन, एफ बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सुना होगा ना मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में एक्सेलरेशन को जी से दिखाते हैं। एफ बराबर होता है फॉर्मूला जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, दोनों सेम फार्मूला है, तो इस एफ का मान ये भी और एफ का मान ये भी, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर, भाई दोनों एफ का मान है तो दोनों आपस में बराबर है, तो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, दोनों बराबर हो गया, ये दोनों फोर्स का मान है तो दोनों आपस में बराबर, तो बराबर कर दिए, इस एम से ई एम कट गया तो स्मॉल जी पूछ रहा है क्या होगा, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होगा? जी एम बटा आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला आंसर होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान एम है और गुरुत्वीय त्वरण जी है तो उस वस्तु का भार क्या होगा? मैंने बोला है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वही उसका भार भी होता है, भार होगा W इक्वल टू एम जी, मास इंटू एक्स, बोले ना जो फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वही उसका भार भी होता है एम जी। आगे आ जाओ, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तो उसका मान क्या होगा? भाई पृथ्वी के सतह पर जी का मान जो है ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता है, जैसे जैसे दूर जाइएगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा। आगे आ जाओ, यदि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का मान जीपी है तो विषुवत रेखा पर जी है, तो बताइए कौन सही है? भाई
आपको बताते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, सेशन को लाइक कर दो गुरु, एक इंपॉर्टेंट बात लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है, सुनिए, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है पोल, सबसे ज्यादा पोल पर, सबसे ज्यादा ये वाला सुनो, ये धरती है, धरती का ये पोल है, इक्वेटर है, तो पूजा गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा पोल पे होता है और सबसे कम इक्वेटर पे होता है, तो सबसे कम तो जीपी क्या होगा, पोल वाला बड़ा होगा जी से, मैंने लिखो धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पोल पर सबसे कम होता है और पोल पर सबसे ज्यादा होता है, सॉरी पोल पर सबसे ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। आगे आ जाओ, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, जल्दी बताओ, सेशन को लाइक कर दो गुरु जल्दी से, नए नए सवाल भी आएंगे गुरु, टेंशन मत लो, जल्दी सेशन को लाइक कर दो गुरु, जल्दी बता दो, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, केंद्र पे होता है शून्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, किसी वस्तु का भार, भार माने क्या, गुरुत्वाकर्षण, जब भी भार बोले तो समझिएगा गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होता है, लेकिन पृथ्वी के कहां भार सबसे ज्यादा कहां होता है, तो बोला हूं धरती के ध्रुव पर, पोल पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पोल पर और सबसे कम विषुवत रेखा पर, सबसे ज्यादा पोल पर सबसे कम विषुवत रेखा पर। आगे आ जाओ, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के तुलना में कितना गुना होता है, बताओ जल्दी, धरती के तुलना पर में चांद पर गुरुत्वाकर्षण का मान बल का मान 1/6 होता है, जितना धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल है उसके 6 गुना कम होता है चंद्रमा पर, याद रखो, दाब का एसआई मात्रक क्या है, प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है, सुनिए, दाब इक्वल टू होता है फॉर्मूला बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, यानी प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, इसी को बोलते हैं पास्कल, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है गुरु, पास्कल, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं, दाब बराबर फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, इसी को पास्कल भी कहते हैं गुरु, सुन लो, दाब को बैरोमीटर से मापते, लिखो, दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं, दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। अगला पॉइंट लिखो, बैरोमीटर का यदि पारा नीचे गिर जाए तो समझिए आंधी तूफान आने वाला है। क्वेश्चन आता है, यदि बैरोमीटर का पारा नीचे गिर जाए तो किसका संकेत देता है, आंधी तूफान चक्रवात साइक्लोन आने का, यदि पारा नीचे गिर जाए तो साइक्लोन आएगा और पारा ऊपर चला जाए तो समझिए मौसम शांत रहेगा। तो भैया एयर प्रेशर को मापता है कौन, बैरोमीटर, और बैरोमीटर दाब को मापता है, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। चलिए फोर्स, इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। आगे आओ, दाब बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, अभी तो बताया हूं, दाब बल और क्षेत्रफल में कौन सा संबंध होता है, दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। चलिए बेसिक सवाल लिया हूं एनसीईआरटी का, प्रनोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच कौन सा संबंध होता है, प्रनोद दाब और क्षेत्रफल के बीच कौन सा संबंध होता है, दाब इक्वल टू प्रनोद बटा क्षेत्रफल, दाब इक्वल टू प्रनोद बटा क्षेत्रफल। आगे आ जाओ, बंद
द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। यह नियम किसका है? भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंद, यदि कोई द्रव है, कोई लिक्विड एक बोतल में बंद है, तो उसका प्रेशर दाब चारों तरफ समान लगता है, ये कौन सा नियम है? न्यूटन का नियम, गैलीलियो का नियम, दाब का नियम या पास्कल का नियम, कौन सा नियम है? तो गुरु, ये पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम, यदि किसी बर्तन में कोई लिक्विड बंद है तो लिक्विड के द्वारा पूरे दीवार पर हर जगह समान प्रेशर लगेगा, ये कौन सा नियम है? पास्कल का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? सेशन को लाइक कर दो गुरु, साइंस का हर दिन हम 25-30 सवाल लेकर आएंगे हर रोज, और कल का सेशन कंप्लीट अनुच्छेद लिखो, कल का सेशन का टाइमिंग लिख लो, शाम 7:30 बजे कल के सेशन की टाइमिंग, अभी लेंगे लाइव, अभी चलेगा लंबा, शाम 7:30 बजे कल पूरा का पूरा संविधान का अनुच्छेद और संविधान का संशोधन कंप्लीट करवाएंगे, तो कल शाम 7:30 बजे जुड़ना मत भूलना। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1825 में, ऑप्शन ही नहीं है, 1825 में, चारों ऑप्शन गलत है। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुआ, किसने किया? राजा राम मोहन रॉय। किसने किया? राजा राम मोहन रॉय, मोहन रॉय। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की, लिखो, ये वही राजा राम मोहन रॉय हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, ये वही राजा राम मोहन रॉय हैं जिनका जन्म 1774 में बंगाल के कलकत्ता के निकट राधानगर में हुआ था। 1774 में राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ। 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने अपनी पहली संस्था बनाई, राजा राम मोहन रॉय ने अपनी पहली संस्था 1815 में बनाया, जिसका नाम था आत्मीय सभा। 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा बनाया। 1817 में राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर के साथ मिलकर, अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर के साथ मिलकर उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनाया। 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज बनवाया, और 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज बनाया, ब्रह्म समाज 1828, और 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई। 1837 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन रॉय की 1833 में मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा का किसने कहा? राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? तो गुरु, किसने दिया? तो ये दिया अकबर द्वितीय ने। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राजा राम मोहन रॉय के विषय में और सारी पॉइंट्स हैं, लिखो। राजा राम मोहन रॉय की दो मैगजीन, इनकी दो पत्रिका थी, एक पत्रिका का नाम संवाद कौमुदी बंगला भाषा में। राजा राम मोहन रॉय ने दो पत्रिका निकाला, पहली पत्रिका का नाम संवाद कौमुदी और दूसरी पत्रिका का नाम, लिखो गुरु, दूसरी पत्रिका था मिरातुल अखबार फारसी में, मिरातुल अखबार फारसी में। चलिए आगे आ जाओ। क्या भैया? सर हार्डिंग पर बम, रास बिहारी बोस, दोनों सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस, पूरे टीम में लोग शामिल थे। टेंशन प्रशांत जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल और भी कई लोग उसमें शामिल थे, अकेले लोग बम नहीं फेंके थे। सेशन को लाइक कर दो गुरु, लाइक नहीं कर रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ।
एकमात्र आईसीएस ऑफिसर जिन्हें सेवा से निकाल दिया गया था, एकमात्र आईसीएस जिन्हें बर्खास्त किया गया था, मैं बता चुका हूं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एकमात्र आईसीएस थे जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। एकमात्र आईसीएस ऑफिसर जिन्हें नौकरी से निकाला गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुन लो, भारत में आजादी से पहले 4 आईसीएस थे। कौन कौन? सबसे पहला, भारत का पहला आईसीएस ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर, भारत का दूसरा आईसीएस सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारत का तीसरा आईसीएस अरविंद घोष, और चौथा आईसीएस सुभाष चंद्र बोस। आगे आइए फटाफट, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा, और हिटलर ने, लिखो, जर्मनी के चांसलर हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर ने कहा, कहीं कहीं गांधी भी आता है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा। और सुनिए, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल था। गीता रहस्य नामक किताब किसने लिखा? तिलक ने लिखा। गीता रहस्य किताब किसने लिखा? तिलक ने। कहाँ लिखा? तो ये उस समय बर्मा था, बर्मा के मांडले जेल में। बर्मा यानी आजकल उसको म्यांमार कहते हैं। बर्मा के मांडले जेल में कब से कब तक थे? 6 साल थे, 1908 से लेकर 1914 तक। पूरे 6 वर्ष तिलक जेल में रहे, पूरे 6 साल तिलक मांडले जेल में रहे, और इसी जेल में उन्होंने गीता रहस्य लिखा। इनकी एक और किताब थी जिसका नाम था आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। इनकी एक और किताब थी, इसी किताब में इन्होंने कहा था कि आर्य साइबेरिया से आए थे। इसी किताब में बताया था उन्होंने कि आर्य जो थे वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य कहाँ से आए थे? साइबेरिया से आए थे। किसने बताया? तो तिलक ने बताया कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य कहाँ से आए? साइबेरिया से आए थे। किस किताब में? आर्कटिक होम ऑफ वेदाज में। इनकी एक किताब गीता रहस्य। तिलक की 2 पत्रिका भी है, एक पत्रिका का नाम है मराठा और दूसरी पत्रिका का नाम है केसरी। मराठा और केसरी, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। लिखो गुरु, तिलक की 2 मैगजीन मराठा और केसरी, मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। ये वही तिलक हैं जिन्होंने 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत की, 1893 में गणेश महोत्सव, और 1895 में शिवाजी महोत्सव। क्रांतिकारी भावनाओं के प्रचार के लिए, भारत में क्रांतिकारी भावनाओं के प्रचार के लिए 1893 में गणेश महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। ये वही तिलक हैं जिन्होंने 1916 में कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कब कहा? 1916 में। तिलक ने पुणे से 1916 में तिलक ने पुणे से होम रूल लीग आंदोलन शुरू की। लिखो, पुणे से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 में तिलक ने किया। ये वही तिलक हैं जिनके प्रयास से लखनऊ पैक्ट हुआ। 1916 में लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ 1916 में तिलक के प्रयास से। और तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ। तिलक का डेथ 1 अगस्त 1920 को हुआ। तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। तिलक को अशांति का दूत वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। चलिए,
आ गया हो। जब रैयत वाड़ी लागू हुआ तब मद्रास का गवर्नर कौन था? सेशन को लाइक कर दो गुरु। कल कंप्लीटली पॉलिटी का अधिकांश अनुच्छेद, अनुच्छेद संविधान संशोधन, कल धुआं धुआं हो जाएगा पूरा पॉलिटी, पूरी पॉलिटी धुआं धुआं होगा। हिस्ट्री के भी सवाल होंगे, साइंस के भी सवाल होंगे, आ कुछ करंट अफेयर के भी सवाल होंगे। कल का सेशन बहुत बेहतरीन होगा 7:30 बजे से, और आज का भी बेहतरीन हो रहा है। सेशन को लाइक कर दो गुरु, और हारना मना है। जब रैयत वाड़ी लागू हुआ तब ध्यान दो मद्रास के गवर्नर कौन था? तो थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो। लेकिन अगर पूछा जाए कि जब रैयतवाड़ी लागू हुआ तब बंगाल का गवर्नर कौन था? जब रैयतवाड़ी लागू हुआ तब बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स लिखो, जब बंगाल का गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स था और मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो था, उसी समय भारत में रैयतवाड़ी आया। रैयतवाड़ी का मतलब क्या होता है? किसान सीधे सीधे सरकार को टैक्स देंगे। जब किसान जमींदार को टैक्स न देके सीधे सरकार को टैक्स देगा, जो जमीन जोतेगा वही जमीन का मालिक होगा और वही सीधे टैक्स देगा, इसी को बोलते हैं रैयतवाड़ी। जो जमीन जोतेगा वही जमीन का मालिक होगा और वही डायरेक्ट टैक्स देगा, इसी को बोलते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जब आया तब जमींदारी खत्म हो गई, और उस समय मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो था और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स था। आ गया कोलकाता के डायमंड हार्बर से लेकर टेली कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच ही कह सकते हैं, कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच 1852 में, ये भी लिख लो, 1852 में भारत का पहला टेलीग्राफ, ये भारत का पहला टेलीग्राफ सेवा है, भारत का पहला टेलीग्राफ सेवा, भारत का पहला टेलीग्राफ सेवा कहां से कहां के बीच शुरू हुआ, ये भी रटो। कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच भारत का पहला टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ 1852 में। उस समय वायसराय, सॉरी, उस समय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था, उस समय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। जब भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था, उसी समय कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच भारत का पहला टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ 1852 में। अगर पूछा जाए भारत का पहला समुद्री टेलीग्राफ सेवा, भारत का पहला समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके समय हुआ, तो सर जॉन लॉरेंस, इसके समय 1865 में भारत का पहला समुद्री, ध्यान देना, समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ। कहाँ के बीच? भारत और यूरोप के बीच, भारत का पहला समुद्री टेलीग्राफ भारत और यूरोप के बीच कब शुरू हुआ? 1865 में। तब वायसराय कौन था? सर जॉन लॉरेंस। जब भारत का पहला टेलीग्राफ कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच 1852 में शुरू हुआ, तब गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए आगे आ जाओ, कैसा लग रहा है सेशन, एक बार कमेंट कीजिए। तो सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लिखिए यस, एक बार सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आया, कुछ सीखने को मिला, तो एक बार लिखोगे जी सर, सभी लोग यस लिखिए, अच्छा ना लगा तो नो लिख देना। किस गवर्नर जनरल के समय दूसरा और लाइव मैराथन सेशन भी लूंगा। मैराथन मतलब पूरी रात का, मैंने एक रात में पूरी हिस्ट्री खत्म, पूरी हिस्ट्री जी, एक रात में पूरी पॉलिटी खत्म, इस तरह का मैराथन सेशन भी होगा। किस गवर्नर जनरल के समय दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ? दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, ध्यान दो, 1849 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। अच्छा, पहला आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज, अंग्रेज और सिख के बीच, आंग्ल मतलब अंग्रेज और सिख मतलब पंजाब, अंग्रेज और सिख के बीच पहला युद्ध, पहला आंग्ल सिख युद्ध, यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय। लेकिन दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय, आंग्ल सिख युद्ध हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय। 5 मिनट और सेशन लेंगे,
61 क्वेश्चन करेंगे टोटल 61 सवाल। लॉर्ड डलहौजी के समय पहला अंग सिख युद्ध हुआ, दूसरा अंग सिख युद्ध हुआ, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय प्रथम के समय पहला अंग सिख युद्ध हुआ, नोट कर लीजिए। इसी में डलहौजी ने कहा था, सिखों ने युद्ध मांगा है, इसे प्रतिशोध के साथ लड़ा जाएगा। चलो आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट। किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर रोक लगा? नरबलि प्रथा पर रोक किसके समय लगा? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। उस समय नरबलि प्रथा था, एक जनजाति थी जिसका नाम था खोंड जनजाति, खोंड जनजाति, इसी में था आदमी की बलि दी जाती थी। इस पर रोक लगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय, खोंड जनजाति में प्रचलित नरबलि प्रथा पर रोक लगा। चलिए सेशन को लाइक कर दो गुरु, आगे आ जाओ। किस गवर्नर जनरल ने कहा था सिखों ने जो मांगा है नहीं युद्ध मांगा है, इसे प्रतिशोध के साथ लड़ा जाएगा? ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय डलहौजी ने कहा था। टोटल 61 सवाल करेंगे, आगे आ जाओ। मैसूर को कुशासन का, देखो अवध को कुशासन के आरोप लगाकर किसने हड़पा? डलहौजी ने। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने हड़प लिया, लेकिन मैसूर को कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हड़पा था, आगे आ जाओ। भारत का पहला कृषि विभाग, बता चुका हूं, लॉर्ड मेयो, बता चुका हूं। टोटल 61 सवाल लेंगे, आगे आ जाओ। भारत अफगानिस्तान के बीच किस वायसराय भारत और अफगानिस्तान के बीच किस वायसराय के समय ड्यूरंड लाइन, आपको पता है फिर से बोल रहा हूं, सुन लो, ध्यान सुन लो, काम आएगा। भारत अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड लाइन, भारत पाकिस्तान के बीच दू गो लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, सर क्रिक लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन और दूसरा सर क्रिक लाइन, याद कर लो। अब भारत अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड लाइन, भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन, अब भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट, नोट कर लीजिए। और एक खींचा गया लॉर्ड लैंसडाउन के समय, भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड लाइन, लॉर्ड लैंसडाउन, सुन लो, भारत का पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड लिपन, लॉर्ड लिपन, और भारत का दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन, ड्यूरंड लाइन भारत अफगानिस्तान के बीच इन्हीं के समय खींचा गया, तथा भारत का दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन, आगे आ जाओ। जब तीन क्वेश्चन और, तीन सवाल और करेंगे, सेशन को लाइक कर दो गुरु, और कल फिर से अनाउंस कर रहा हूं, जाना मत, कल शुरू से जुड़ जाना। 7:30 बजे से शुरू कर देंगे पॉलिटी में पूरा अनुच्छेद, पूरा संशोधन कल याद करवा देंगे, इस टेक्निक से करेंगे कि सब याद हो जाएगा यहीं पर, सारा अनुच्छेद, सारा संशोधन। और कल कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के भी सवाल रहेगा और कुछ साइंस के भी रहेगा। कल का सेशन शाम 7:30 या 7:30 बजे शुरू कर देंगे, तैयार 7 बजे से आप तैयार रहिएगा कल। चलिए, भारत और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुआ तब गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। भारत नेपाल युद्ध यानी आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, एक युद्ध हुआ आंग्ल नेपाल युद्ध, इसी युद्ध में के बाद सुगौली की संधि हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद
आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद सुगौली की संधि हुआ, तब वह गवर्नर कौन था बंगाल का? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ब्रिटिश अधिकारियों को हिंदी सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना? ब्रिटिश अधिकारियों को हिंदी सिखाने के लिए लॉर्ड विलेजली ने, कौन? जब गवर्नर था लॉर्ड विलेजली, उसी समय फोर्ट विलियम कॉलेज बना कलकत्ता में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ बना? कलकत्ता में बना। कब बना? 1800 में। 1800 में, सन 1800 में लॉर्ड विलेजली ने ब्रिटिश अधिकारियों को अंग्रेजी, सॉरी हिंदी सिखाने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया 1800 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे। और इस सेशन का आखिरी सवाल, इस सेशन का आखिरी सवाल, और कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके बताना। और कल से लगातार बेहतर बेहतर टॉपिक पर हम काम करते चले जाएंगे। चलिए एक बार नाम पढ़ लूं, जूली, रेखा, सरिता, चलिए सुरेश जी, खुशबू, विनय जी, रविंद्र जी, चलिए पायल, पायल स्वराज, बालाजी, बलवंत यादव, चलिए सभी को शुभकामना, शिवहर वाले अजय जी, चलिए रौनक जी, शंकर जी, अस्मिता यादव सर, अदर स्टेट महिला को मेरा, एक बार हम इस पर वीडियो लेंगे, अस्मिता जी वीडियो लेंगे इस पर, शंकर भाई चलिए सभी को शुभकामना, जैमर सुमित मंडल जी चलिए सबको शुभकामना, मृत्युंजय जी, दीपा गुप्ता, प्रियंका यादव, राहुल जी सबको शुभकामना, सबको आशीर्वाद मेरे भाई। और सेशन का आखिरी सवाल, और कैसा लगा आपको आज का सेशन एक बार रियल में दिल से, अगर आपको साइंस हमने पढ़ाया जो ग्रेविटेशन आपको समझ में आया, प्रेशर वाला जो पढ़ाया वो समझ में आया, तो एक बार प्लीज आज का जो होल सेशन था आपको कैसा लगा प्लीज एक बार कमेंट करके। 4800 लोग जुड़े हैं, हमें 4800 कमेंट चाहिए, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। इसका आंसर भी बताइए, साथ में छोटा बड़ा एक कमेंट भी कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो गुरु, सभी लोग प्लीज लाइक कर दो सेशन को, और एक बार बेहतर सा कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आज का सेशन। तो भैया कल शाम 7:30 बजे कहीं मत जाना, 7:30 के 7:15 में ही तैयार रहना, 7:30 बजे तैयार रहना। संपूर्ण अनुच्छेद थोड़ा सा भी छूटेगा तो समझ लो छूट गया, इसलिए कल का सेशन 7:30 बजे पूरा अनुच्छेद, पूरा संशोधन, और पूरा थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री के भी सवाल रखेंगे, थोड़ा साइंस का भी रखेंगे। तो 7:15 कल का टाइम याद रखो, सुल्तान का पद धारण करने वाला पहला बादशाह था गयासुद्दीन तुगलक, इसी ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। सल्तनत काल में तुगलक वंश जो था ना सबसे लंबा समय चला, पूरे सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इस सारे वंश में सबसे लंबे समय तक चला तुगलक वंश। लिख लो, सबसे लंबा चला तुगलक वंश, और तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक। लिख लो, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, सुनो, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। लिखो, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा गयासुद्दीन तुगलक को, हुरूर हुनूज दिल्ली दूरस्ते, हुजूर दिल्ली दूर है। किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा। किसके लिए कहा? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा। सुल्तान के पद धारण करने वाला पहला बादशाह, तुगलक वंश के संस्थापक, पूरे सल्तनत में सबसे लंबा कौन चला? तुगलक वंश। और इनके बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुजूर दिल्ली दूर है। तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, इस सेशन का आखिरी सवाल था, आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट सबको करना है, आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो कल 7:15 बजे सारा काम छोड़ देना, क्योंकि कल पॉलिटिक खत्म होने वाला है, धुआं धुआं होने वाला है। सारा अनुच्छेद गारंटी लेता हूं कि सबको याद करा दूंगा, सारा संशोधन भी याद करा दूंगा। तो चलिए पार्ट टू करना पड़े, कर लेंगे, लेकिन करवा देंगे। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 से 7:30 बजे, तब तक के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद, मुस्कुराते रहो, खुद पे भरोसा रखो। पांव में छाले होंगे पर हम पढ़ेंगे, हम दौड़ेंगे, उड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम मिल्खा सिंह बनेंगे गुरु। मेहनत करना है, क्योंकि जो मेहनत करते हैं सच्चे दिल से उनका सिलेक्शन होता है। अभी निंदा है, पानी पियो, लेकिन रात भर पढ़ो, रात दिन पढ़ो, 23 दिन का उपवास है गुरु, 23 दिन के बाद जिंदगी बदलेगा, होली से पहले रिजल्ट आएगा, हर घर में होली बेहतर बनेगा। तो चलिए हमारी शुभकामना आपके साथ है, खूब मेहनत करिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।